दोस्तों कल की 2898 का क्रेज देखने के बाद संजू बाबा कहते हैं कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बार फिर से बाहुबली लौट कर आ रहे हैं और प्रभास जो है वो पैनल या सुपरस्टार है, इनका मुकाबला करने का पावर किसी में नहीं है। प्रभास की जो भी मूवीज रिलीज हुई है वो सुपरहिट साबित हुई है। हाँ, आदि पुरुष के साथ काफी ज्यादा एक कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी ने 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उसके बाद आ गया देवा, यानी कि सलार मूवी से बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ा के रख दी और एक बहुत अच्छा कलेक्शन किया। लेकिन अब जो है वो बाहुबली लौट कर आ रहे हैं और इस बार कल की अवतार में प्रभास को देखने के लिए पूरी दुनिया दीवानों की तरह वेट कर रही है और बताया जा रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा आविष्कार होगी। साइंस फिक्शन की दुनिया में इंडिया एक कदम आगे जाने वाला है। इस मूवी को बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया है। इस मूवी के VFX को एडिट करने के लिए मार्वल DC की कंपनी से हेल्प लिया गया है। मूवी की बजट बहुत ही बड़ी है, मूवी का स्कोप बहुत बड़ा है और जो प्रमोशन स्ट्रेटजी है वो भी कमाल की होने वाली है। कहा जा रहा है कि एक एनिमेटेड पीलोड भी रेडी किया गया है जो कि बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होगा और इसकी प्रमोशन स्ट्रेटजी को देखने के बाद लगता है कि भाई ये मूवी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ सकेगी, क्योंकि इस मूवी को 25 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है और सुपरहिट प्रभास की ये मूवी पूरी दुनिया में एक इतिहास लिखेगी जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इंडियन सिनेमा में एक बार तो SS राजामौली ने ऑस्कर ले लिया RR के नाटो नाटो सॉन्ग पर, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक्शन मूवीज के मुकाबले में और साइंस फिक्शन की एक बहुत बड़ी आविष्कार के मुकाबले में RR के बाद जूनियर NTR और प्रभास ही वो एक्टर हैं जो कि भाई इसको ले सकते हैं। और कहा जा रहा है कि अब अगला जो ऑस्कर है वो कल की 2898 को भी मिल सकता है इसके VFX के ऊपर, इसकी एडिटिंग टीम को, और कहा जा रहा है कि इस मूवी के यूनिवर्स को भी ऑस्कर नॉमिनेशन मिल सकता है क्योंकि इस बार क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। और आपने देखा होगा कि मार्वल की बड़ी बड़ी मूवीज़ को भाई अवार्ड्स मिलते हैं और इस बार ये सारे अवार्ड्स जो है वो कल की 2898 को मिल सकते हैं। दोस्तों मूवी हर लिहाज से काफ़ी बड़ी है, मूवी का स्कोप बहुत बड़ा है। डायरेक्टर नाग अश्विन इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए अभी तक कोई भी इस मूवी की रिलीज डेट को कन्फर्म नहीं किया गया है। पहले 9th May बताई जा रही थी रिलीज डेट, लेकिन अब जो है वो उसको चेंज कर दिया गया है और अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कल की कितने रिकॉर्ड क्रिएट करेगी? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट लाजमी करना। बाहुबली प्रभास की डाई हार्ड फैन सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।